वो है कहाँ दिखा है? 1, 2, 3, 4 पांचवा नंबर पे। कौन सा पांचवा नंबर बता रहा है? तो मैं दीपक शर्मा आप सबको अपने इलेक्ट्रो जूनियर चैनल पे स्वागत करता हूँ। दोस्तों आज के वीडियो में देखेंगे कि जब प्लांट को टेस्टिंग किया जाता है तो क्या क्या प्रॉब्लम आती है, क्या क्या देखना पड़ता है, क्योंकि आज के वीडियो में हम अपने प्लांट को टेस्टिंग करने वाले हैं। फर्स्ट टाइम इसमें सीवरेज ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि पिछले वीडियो में मैंने आपको दिखाया था तो बताया था कि इस प्लांट में क्या क्या लगने वाला है, सारे वर्किंग भी बताया आपको एक एक करके कि कौन से प्लांट में, इस प्लांट में कौन सा इंस्ट्रूमेंट लगा है, क्या मशीन लगा, किसका कनेक्शन कैसा है, वायरिंग कैसा है, सब कुछ दिखाया था। बट इस वीडियो में मैं आपको टेस्टिंग दिखाएंगे, क्योंकि अभी आज के वीडियो में मैंने एक डिफ्यूजर भी इसको डाल दिया है और डिफ्यूजर डालने के बाद से इसका एरिएशन भी करेंगे, तो आज के वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक बने रहिएगा, चलिए वीडियो को आप शुरू करते हैं शुरुआत से। आप ये देख रहे हैं अभी फर्स्ट टाइम का ये सीवरेज है, बहुत ही अभी क्लीनर है, इससे सीवरेज नहीं बोला जा सकता, ये वाटर के जैसा ही है, क्लीन है, इससे कोई हमें ज़्यादा बेनिफिट नहीं होने वाला है। पर इसको हम लोग टेस्टिंग के लिए ले रहे हैं तो सही है हमारे लिए, ताकि डिफ्यूजर में कहीं भी प्रॉब्लम आए किसी चीज़ में तो उसको में आदमी इसमें आसानी से घुस सके, ठीक है। ये वेटवेल भी आपको दिखाया था, इस वेटवेल के थ्रू में हमारे पास जो है ये सीवरेज आ रहा है। थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम होगा क्योंकि ये प्लांट अभी जस्ट चालू हो रहा है इसलिए, ठीक है। अब जैसे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे आ रहा है सीवरेज, ठीक है। ये गेट भी है, ये आपको एक दो गेट दिख रहा है यहाँ पे, जैसे एक आने का जाने का, ठीक है। हम दोनों गेट को थोड़ा सा ओपन कर चुके हैं क्योंकि हमें जल्द से जल्द पानी थोड़ा सा चाहिए, ठीक है। ये स्क्रीन है, अभी स्क्रीन को ऑन तो किए नहीं है इसलिए जाऊँगा। देखिए ये स्क्रीन का वर्क कैसे कर रहा है, जैसे मैं ये कचरा जैसे है ये फंस जा रहा है, इधर भी कचरा गया फंस जाएगा। ये जो स्क्रीन है मैनुअल है, ये जो है हमारा मैकेनिकल फाइन स्क्रीन, जिसके थ्रू में अगर कचरा फंसता भी है तो ये क्या करता है, बाहर निकाल लेगा, जैसे इसके थ्रू में मोटराइज सिस्टम है, और इसको जो है हाथ से हम लोग बाहर निकालना पड़ता है, ठीक है। और ये हमारा बेल्ट कन्वेयर अभी ऑन हुआ नहीं है क्योंकि अभी इसको कोई ज़रूरत नहीं है इसलिए ऑन नहीं किया गया है। और ये फाइनल मैकेनिकल फाइन स्क्रीन का पैनल है, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना चुका है इसका कैसे वायरिंग किया जाता है, वो नहीं देखे होंगे तो वीडियो जाके आप जरूर देख लीजिएगा। फिर जैसे मैं यहाँ पे, आप हमारे पास जा रहे हैं, ये गेट है, जो जिस गेट में सेलेक्ट करेंगे हम, जिस गेट को ओपन करना चाहे उस गेट को ओपन कर लेंगे, दोनों ही मैंने ओपन कर लिया। फिर देखिए मैं उस बेसिन पे, हमारा स्क्रैपर के साइड में अभी काम नहीं हुआ है पूरे, इसलिए मैंने उसको छोड़ के रखा है, और यहाँ से डायरेक्टली हम लोग अपना इनलेट गेट के अंदर में पानी ले रहे हैं, ठीक है। यहाँ से लेने के बाद से हमारे पास जो है ये आगे जा रहा है, अभी मेन हमारा डिफ्यूजर लगा हुआ है तो उसको पानी देना बहुत ज़रूरी होता है। तो देखिए यहाँ पर हमारा लगेगा रियोमीटर, वो अभी नहीं लगाया गया है तो उसका इशू नहीं है। फिर देखिए हमारे पास जो मेन है SBR का इनलेट, ठीक है, इनलेट चैम्बर है हमारे दोनों, एक ये है और एक है। फिलहाल में हमने क्या किया है, ये वाला एक से हम लोग पानी ले रहे हैं, टैंक वन में ये ओपन है, आप जैसे मैं यहाँ पे देख रहे होंगे, ठीक है। इसके बाद से ये हमारा सिलेक्टर जोन है जो इसमें पानी आ रहा है, देखिए, ठीक है। आने के बाद से सिलेक्टर जोन के थ्रू में ये टैंक में, मेन टैंक में पानी भरेगा इसमें, ठीक है। ये मेन टैंक है हमारे पास तो उस टैंक में पानी भरेंगे। देखिए ये टैंक में पानी बच गया तो हम भरेंगे पानी, वो है अपना डिफ्यूजर से ऊपर रखेंगे क्योंकि अभी टेस्टिंग करना, तो एरिएशन भी करेंगे इसमें, और एरिएशन करने के बाद से इसका टेस्टिंग देखेंगे कि कितना एरिएशन हो रहा है, कोई हमारा जो डिफ्यूजर लगा वो लीक तो नहीं है, अगर लीकेज होगा तो उसके अंदर जाके उसको ठीक करना पड़ेगा। कैसे ठीक करा जाएगा इस वीडियो में सब कुछ आपको दिख जाएगा। और ये एयर लाइंस जो है हमारा, आप देख रहे हैं ये एयर लाइंस है, तो इस लाइन में अभी जो भी नट बोल्ट है उसको टाइट कर लिया जाएगा, और जो भी डमी पे भी कुछ वर्क करेगा तो डमी है तो इस चीज़ों को भी नट बोल्ट का पूरे टाइट कर लेंगे, ठीक है। तो अभी चलिए एरिएशन करते टाइम में मिलते हैं। वो है 1, 2, 3, 4, 5वां नंबर पे। जैसे मैं यहाँ पे देख रहे हैं कि अभी टेस्टिंग चालू, एयर ब्लोअर भी मैंने चालू कर चुका है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, उसको क्या कर रहे थे अभी हम लोग वहाँ पे जो था कि एयरलाइंस का जो भी है फ्लॉसिंग कर रहे थे कि जो भी कचरा हो वो बाहर निकल जाएगा, ठीक है, इसलिए उसको ओपन करके रखना चाहते हैं ताकि जो भी कचरा हो डिफ्यूजर में ना जाए, कोई प्रॉब्लम ना करे। जैसे मैं आप अभी देख रहे हैं कि सारे डिफ्यूजर का लाइन जो है स्टार्ट हो गया है, ये डिफ्यूजर करना का, तो इसमें कोई इशू नहीं है, अब अच्छे तरह से चल रहा है। अब लीकेज कैसे होता है डिफ्यूजर में वो भी आपको दिखा देता हूँ, अगर इनकेस लीकेज होता है तो वो कैसे कम होता है, कैसे बंद होता है, क्या होता है, नहीं होता है, ठीक है। चलिए आपको लीकेज वाला चीज़ दिखाता हूँ, एक इसमें डिफ्यूजर लीकेज है,
देखिए जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पे डिफ्यूजर के जो लाइन देख रहे हैं, लीकेज में 1, 2, 3, 4, 5 पांच नंबर पे जो है वहाँ पे देखिए आपको एक लीकेज का इशू आ रहा है। जैसे मैं आप दोनों के बीच में जैसे उससे पहले देखेंगे तो इसके बीच में बुलबुला नहीं आ रहा, पर इस दोनों के बीच में देखिए बुलबुला आ रहा है, यानी कि इसमें ये लीकेज है, इसको फिट करेंगे। और ये है जो इसमें भी लीकेज नहीं, फिर उसमें लीकेज आ रहा है, जैसे उसके बगल में भी देख रहे हैं आपके बीच में जल्दी जल्दी से हो रहा है, वो नहीं होना चाहिए। अगर वैसा हो रहा है तो हमारे डिफ्यूजर में लीकेज है। तो इसको करने के लिए कैसा है कि फिर से फिटिंग क्या होता है, होल को अच्छे से फिटिंग नहीं हुआ गा तो वो गड़बड़ हो जा रहा है। इसके वजह से उसको क्या जाएंगे फिर थोड़ा सा जो लॉक उसका था उसको ओपन करके फिर फिट करके फिर लॉक को लगाएंगे, तो जो भी लीकेज होगा वो प्रॉब्लम वो सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, डिफ्यूजर कैसे लगाया जाता है इस पर एक भी वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अगर वो वीडियो आप नहीं देखेंगे तो वीडियो देख लीजिएगा, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा या प्लेलिस्ट में जाकर आप जरूर देख लीजिएगा। दोस्तों ये आप वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, अगर आप हमें चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सकेगा सबसे पहले। मैं इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड एसटीपी से रिलेटेड वीडियो हमेशा बनाता ही रहता हूँ। चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम।